सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार की सुबह रोडवेज के एक बस से नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दवा नारकोटिक्स श्रेणी की है। दवाओं की खेप के साथ शहर के 2 युवकों को भी पकड़ा गया है। बरामदगी के बाद दवाओं की खेप सिगरा थाने ले जाई गई है। मामले की जांच की जा रही है। उसके क्रम में सहायक आयुक्त औषधि श्री नरेश मोहन दीपक जी के निर्देशन में मैं विवेक कुमार सिंह ड्रग इंस्पेक्टर और हमारे साथी ड्रग इंस्पेक्टर संजय दत्त वाराणसी और ये चंद्रेश द्विवेदी ड्रग इंस्पेक्टर जौनपुर के द्वारा कार्रवाई की गई। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कानपुर से रोडवेज बस में कुछ अवैध दवाओं की सप्लाई की गई है। लंका थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव में सोमवार को 21 वर्षीय विवाहिता अंजना ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंजना रोहनिया थाना क्षेत्र के माधोपुर के राजकुमार की पुत्री थी। पिछले साल उसका विवाह नरोत्तमपुर के अलख निरंजन के पुत्र नीतीश कुमार से हुआ था। ससुराल वालों को उसके फांसी लगाने की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस और मायके वालों को सूचना दी। लंका क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में देर रात खाने का ऑर्डर देने के बाद रुपए के भुगतान के दौरान संचालक से लेन देन की बातचीत के समय बीएचयू के कथित 2 छात्रों में पहले विवाद हुआ, फिर मारपीट हो गई। इसके बाद पहुंचा छात्रों का दूसरा गुट रेस्टोरेंट संचालक देवेश कुमार के साथ मारपीट का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे उठा ले गया। छात्र संचालक को बीएचयू परिसर में अलग अलग ठिकानों पर घुमाते और मारते पीटते रहे। सूचना पर पहुंचे रेस्टोरेंट संचालक के परिचित ने उसे छात्रों के चुंगल से मुक्त कराया। संचालक देवेश को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। धर्म की नगरी काशी में सावन मास को लेकर तैयारी बेहद ही तेजी से किया जा रहा है। सावन में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले शिव भक्तों को सुविधा देने के लिए एक तरफ मंदिर प्रशासन तैयारी कर रहा है, तो वहीं अन्य विभागों द्वारा भी शिव भक्तों के लिए सुविधाओं की कवायद की जा रही है। इसी क्रम में डाक विभाग ने शिव भक्तों को घर बैठे बाबा श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद पहुँचाने का बेड़ा उठाया है। 2 महीने के सावन महीने में डाक विभाग के द्वारा शिव भक्तों को घर पर ही प्रसाद उपलब्ध करवाया जाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत मात्र 251 रुपीज में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जी का जो है प्रसाद भारतीय डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट से पूरे देश में जो है वाराणसी से जो है भेजा जा रहा है। और इसके लिए लोगों को सिर्फ 251 रुपीज का जो मनी ऑर्डर है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वाराणसी ईस्ट डिवीजन वाराणसी पिन कोड 221001 के नाम से भेजना होगा। और जैसे ही ये मनी ऑर्डर यहाँ पर प्राप्त होगा उसके बाद ये प्रसाद जो है उनको एक टेम्पर प्रूफ इन्वेलप में ताकि कि किसी भी प्रकार से उसको बारिश में नुकसान न हो ये जो है तत्काल स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है भेज दिया जाएगा। सावन महीने में काशी आने वाले लाखों कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए नगर निगम ने 2 महीने तक कांवड़ यात्रा करने वाले रूट पर मांस और मीट की दुकानों और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के कांवड़ यात्रा वाले रूट पर 4 जुलाई से 31 जुलाई तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं इसकी अनदेखी करने पर वाराणसी नगर निगम की पशु चिकित्सा विभाग मुकदमा दर्ज करवा कर कड़ी कार्रवाई करवाएगी। पर्व है हम और पूरा नगर निगम प्रशासन इनकी यात्रा में कोई बाधा न उत्पन्न हो, कहीं कोई धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, कहीं इनको किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पूरा नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है। हमारे पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से हम जो भी कांवड़ यात्रा का रूट है, जो रास्ते हैं जिधर से कांवड़ यात्री आएंगे, उस रास्ते में जो भी मीट मुर्गा मछली की दुकानें हैं या कोई इनके उत्पाद बना करके बेच रहा है उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि पूरे श्रावण मास में दुकानें बंद रहेंगी। सावन के महीने में काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किया जा रहा है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर एक तरफ जहां कांवड़ियों और शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, तो वहीं स्टेशन पर शिव भक्तों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी। हमारे स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें कि यात्री सुविधाओं को की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, सिग्नलिंग है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस है, उससे जुड़े हुए लोग राउंड द क्लॉक माइनिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की पैसेंजर्स को असुविधा को तुरंत उसी समय समाप्त किया जा सके।
नगर निगम वाराणसी ने गंगा तट को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जारी किए गए आदेश को 2 दिन में ही बदल दिया है। प्लास्टिक वाले सामग्रियों के लिए 50 रुपए की धरोहर राशि को बदलकर अब नगर निगम ने दुकानदारों से 5 रुपए धरोहर राशि दिए जाने का आदेश दिया है। नगर निगम ने 30 जुलाई को जारी किए आदेश को संशोधित करते हुए 3 जून शनिवार को नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद घाट क्षेत्र के दुकानदार काफी खुश हैं। जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई के कार्यक्रम को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री और जिलाधिकारियों ने बैठक किया। बैठक में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल व आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी तैयारी समय से गुणवत्ता के साथ पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोमवार को गंगा स्नान के लिए भक्तों का रेला घाटों पर उमड़ा। लोगों ने विधि विधान से गंगा स्नान करने के साथ ही पंडित पुरोहित को दान दिया। मठों व मंदिरों में देर रात तक गुरुओं के दर्शन पूजन का सिलसिला चलेगा। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट रहा। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के दर्शन व चरण वंदन के लिए देश विदेश से काशी में भक्त पहुंचे हैं। सोमवार की भोर से ही गंगा स्नान के लिए भक्तों का रेला घाटों पर उमड़ पड़ा। लोगों ने गंगा स्नान व दान पुण्य किया, इसका विशेष पुष्य मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। घाटों पर पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था भी दिखी। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर धर्म की नगरी काशी में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन मठ मंदिर और आश्रमों में देखने को मिला। तड़के सुबह से ही अपने गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों का जनसैलाब उमड़ा रहा। काशी में बाबा कीनाराम आश्रम, पातालपुरी मठ, सर्वेश्वरी समूह आश्रम, दुर्गा शक्ति छाया शक्तिपीठ, गड़वाघाट आश्रम सहित तमाम मठ और मंदिरों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से गंगा स्नान करने वालों का भी तांता लगा। विश्व की सनातन संस्कृति को जीवंतता और एक प्रकाश की तरफ ले जाने वाला पर्व। यह भारत एक गुरु रूपी तेज और प्रकाश की तरह पूरे विश्व को एक ऊर्जा और प्रकाश देता है। आज गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें लगता है एक गुरु शिष्य परंपरा को निर्वहन करते हुए, परंपरा का पूजन करते हुए, परंपरा को अनवरत अपने जीवन में उतारते हुए ये निश्चित ही पूरे विश्व में एक प्रकाश का स्वरूप देगा। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व पूरे विश्व ने इसको स्वीकारा है। आज गुरु के स्वरूप को जो पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो निश्चित अपने जीवन में अपने आप को बदलाव लाते हैं और अच्छे मार्गों पर चलते हैं। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट वाराणसी, 7081022111, 7081044111, सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।